वर्तमान में चल रहे त्योहारों के सीजन के मद्देनजर शहर में किसी प्रकार की वारदात ना हो, इसके लिए पूरे शहर भर से लगभग 50 चाकूबाजों को पकड़कर भिलाई कंट्रोल रूम लाया गया, जहां इन पर संवैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मंगलवार को प्रातः 4 बजे से जिले के CSP और थाना प्रभारियों की टीम बनाकर पिछले कुछ महीने में चाकूबाजी करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाशों को, जो कि जेल से छूटे हुए हैं एवं पुलिस से छिपते फिर रहे थे, उन सभी चाकूबाजों को घेराबंदी कर पकड़ा गया और पुलिस नियंत्रण कक्ष भिलाई में अन्य थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारियों और उनके पेट्रोलिंग टीम के समक्ष पहचान परेड कराया गया, ताकि एक क्षेत्र के अपराधी दूसरे क्षेत्र में ऐसी घटना को अंजाम न दे सके। ऐसे समस्त 53 से अधिक बदमाशों के खिलाफ पृथक से वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। इस प्रकार कुछ आदतन अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों को चिन्हांकित कर उन पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने एवं उनकी गतिविधियों पर नजर रखकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग पुलिस के अधिकारियों के द्वारा शहर के जितने भी चाकूबाजी करने वाले बदमाश जो फरार चल रहे थे और जो अपराध में संलिप्त थे, अलग अलग थाना क्षेत्र के बदमाशों को सिविक सेंटर परिसर में लाया गया, ताकि आमजनों में इनका खौफ कम किया जा सके तथा सिविक सेंटर एरिया में ही पहुंचकर समस्त बदमाशों को आगे किसी भी प्रकार के चाकूबाजी की घटना न करने हेतु एवं किसी अपराध में शामिल न होने हेतु शपथ दिलाई गई। आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान रखते हुए दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार कम्यूटिंग पुलिसिंग की जा रही है, विजिबल पुलिसिंग की जा रही है। देर रात्रि पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं उनके नेतृत्व में हम सब ने फ्लैग मार्च निकाला था शहर में, और उसी का अगला भाग यह था कि सुबह 4 बजे से हमारी टीम ने जितने भी चाकू पिछले 2 साल में चाकूबाजी का जिनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है और जो जेल से छूट गए हैं और अभी इधर उधर छुपते फिर रहे हैं, उनको घेराबंदी कर पकड़ा है। लगभग 50 की संख्या के आसपास चाकूबाजों को पकड़ा गया है और अभी उनको कंट्रोल रूम लाया गया है। इनके खिलाफ पृथक से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर कुछ हत्याएं हुई हैं, लेकिन मैक्सिमम हत्याएं जो है आपसी विवाद का कारण हुआ है। जैसे जो कोका में हुआ वो पड़ोसी पड़ोसी के बीच में हुआ, और जो नेवई में हुआ भाई ने भाई की हत्या की, जामुल में पति ने पत्नी का मौत कारित किया। तो ऐसे तमाम जो अपराध है, हमारा प्रयास यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी आरोपी को पकड़कर हम न्यायालय के माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करें। और जहां तक आमजन को वैसी स्थिति अभी नहीं निर्मित हुई है कि कहीं पर कत्लेआम मचाया जा रहा है, निश्चित तौर पर कुछ हत्याएं हुई हैं जिनमें आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उपरोक्त कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर विश्व दीपक त्रिपाठी सहित शहर के समस्त थाना प्रभारीगण एवं उनके पेट्रोलिंग स्टाफ जवान उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।